अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद के इस खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेदक डिस्ट्रिक्ट नरसापुर तालुके में जो पिछले दो दिन से जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस ताल्लुक से बताना चाह रहा हूँ कि जो हादसा हुआ 7 तारीख के दिन, जो इमरान नामकारी जो लड़का है उनकी होटल है नरसापुर में, और वहाँ पर जो गैस सिलेंडर सप्लाई करता है बच्चा लिंगम, उस बच्चे के पास गैस सिलेंडर डालने के लिए गया था। वहाँ पर डालने के 1-2 घंटे के बाद फिर एम्प्टी सिलेंडर के लिए गया था। एम्प्टी सिलेंडर के लिए गया था लिंगम, तो वहाँ पर तकरार हुआ, ढकलम ढकली थी, जिसके बाद जो इमरान लिंगम के ऊपर जो वाकया करे वो गलत था, जिसके बाद लिंगम माला डाले हुए थे। उसके बाद लिंगम जाकर जितने भी स्वामी आए माला डाले, उन लोग को लेकर आकर इमरान के ऊपर तमाम मिलकर गड़बड़ करे। उस दरमियान में जो आयशा अंजुम जो लड़की है, वो लड़की बीच में आई भाई को बचाने के लिए, वहाँ पर ढकलम ढकली में आयशा अंजुम वहाँ पर से हट गए बाजू, और उसके बाद दोनों के ऊपर केस बुक हुआ, इमरान के ऊपर लिंगम के ऊपर, और इमरान जाकर कोर्ट से बेल ले लिए, और उसके बाद लिंगम माला डालने की वजह से नरसापुर पुलिस खामोश थी, माला डाले और माला डालने के बाद निकालने के बाद अब उनको इंशाल्लाह अरेस्ट करेंगे। रहा सवाल जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस ताल्लुक से मैं और सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब SP मेदक साहिबा से बात करें, और उन्होंने बताया कि आज की तारीख में भी जो अबरार आयशा अंजुम के हस्बैंड है वो कंप्लेंट दे, और जो 14 तारीख के दिन पेटला बुरुज के अंदर जो आयशा अंजुम को एडमिट किए, जिसके बाद आयशा अंजुम डिलीवरी हुई, उसके बाद 3 दिन नीलोफर हॉस्पिटल में रखा गया, उसके बाद बच्चे का जो पैदा हुआ से बच्चे का देहांत हो गया, और उसके बाद उनको खुद नहीं मालूम है, और जो आयशा अंजुम है उनकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये रहते हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में रहने वाले। और इस ताल्लुक से SP और इंस्पेक्टर नरसापुर DSP तुरान ये बता रहे कि अगर आयशा अंजुम के हस्बैंड या आयशा अंजुम इनके ऊपर लिंगम जिसके ऊपर भी कंप्लेंट करें, यह बच्चे का देहांत हुआ उसके ऊपर तहकीकात करने के लिए पुलिस नरसापुर DSP और SP तहकीकात करने के लिए तैयार है। आज भी अगर चाहे अपराध आयशा अंजुम उनके कोई भी जाकर कंप्लेंट करे तो इंशाल्लाह उनकी तहकीकात करेंगे, और जो मुजरिम है उनको सजा देने के लिए पुलिस तेलंगाना तैयार है। मैं इस मीडिया के जरिए आवाम से अपील करता हूं कि जो झूठे वायरल हो रहे हैं वो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसको खास तौर से सदर मोहतरम खुद SP साहिबा से बात करें और DSP तुपरान से भी बात करें, मैं खुद इंस्पेक्टर नरसापुर DSP से और SP साहिबा से बात करा और ये तफसीलात बताएं, और उसके अलावा जो नईम साहब हमारे वाइस चेयरमैन है म्यूनसिपल नरसापुर के, उन्होंने खुद तफसीलात बताए और उनको खुद नहीं मालूम है कि जो वीडियो वायरल हो रहा है, और ख़ास तौर से जो मुरली यादव वहाँ के जो साबिका चेयरमैन म्यूनसिपल थे उन्होंने खुद जाकर बीच बचाव करें, उसके बाद दरफा दफा हुआ, उसके बाद केस बुक हुआ। मैं इस मीडिया के जरिए यही बताना चाह रहा हूँ कि झूठे वीडियोस हैं और इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए, और आयशा अंजुम अबरार इन लोग जाकर अगर आज की तारीख में भी कंप्लेंट करें तो पुलिस तैयार है तहकीकात करने के लिए, और पूरी रिपोर्ट मंगा रही है पेटला बुरुज और नीलोफर हॉस्पिटल से, ये बच्चे का ध्यान कैसा हुआ है यही बताना चाह रहा हूँ। शुक्रिया नाजरीन, न्यूज़ 18 हैदराबाद चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए अद्दे मैं इब्राहिम, अल्लाह हाफिज। DJ Joseph.